आसमां पे रब होगा या होगा कोई फरिश्ता। आसमां पे रब होगा या होगा कोई फरिश्ता। इस धरती पर माँ रहती है, इस धरती पर माँ रहती है, और ममता का रिश्ता। आसमां पे रब होगा या होगा कोई फरिश्ता। जो सुख माँ की गोद में है वो और कहीं भी ना है। जो सुख माँ की गोद में है वो और कहीं भी ना है। बस ममता में पल पल मरना, हर माँ का जीना है। आँखों से भी बातों से भी, आँखों से भी बातों से भी उसकी प्यार है रिश्ता। आसमां पे रब होगा या होगा कोई फरिश्ता। आसमां पे रब होगा या होगा कोई फरिश्ता। ईशा उठो बेटी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दीप। उठो विजय। उठो उठो। गुड मॉर्निंग मामा। गुड मॉर्निंग। ये लो आराम से। गुड मॉर्निंग। लोग आ जाओ मेरे फौजी लोग। अब मैं तुम्हें अपनी दुकान खोल के दिखाता हूँ तुम्हारे लिए क्या लाया। बंद कर उड़ जाएगा। बंद कर। ये तुम्हारे लिए, इसमें बहुत सारे गेम्स बेटो। ये पापा, थैंक यू सो मच। डैडी, आप हमेशा सस्पेंस फिल्म के हीरो की तरह एंट्री क्यों मारते हो? अरे बेटा, तुम्हारी मम्मी को सबक सिखाने के लिए। कभी ऐसा वाकई में ऐसा एक्सीडेंट हो जाए तो उसका मुकाबला करना आना चाहिए ना। क्या बोल रही थी वो? क्या बोल रही? चोर 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 चोर, देखो ना कौन है। अरे देखो ना कौन है। थोड़ी हिम्मत होना चाहिए ना। मगर पापा, ये आप कैसे टूर पे जाते हैं? महीने के 10 दिन भी आप हमारे पास नहीं रहते। वी मिस यू सो मच। मैं क्या करूं मेरा बेटा, मेरी ड्यूटी ऐसी मेरी जान।
आज हमें फिल्म दिखाने ले जाओ ना पापा। तू फिल्म देखेगा मेरी बेटा, मेरी जान, आज तुझे फिल्म दिखाने ले जाऊंगा, आज तुझे ले जाऊंगा। थैंक यू डैडी। थैंक यू पापा। अच्छा पापा, अब हम स्कूल जाने की तैयारी करते हैं। करो ना। ओके बाय। डिसमिस। ये क्या कर रहे हैं आप? बच्चे तो स्कूल चले गए, अब तुम और हम। देखिए जी, दो के बाद फुल स्टॉप, बीवी रहे टिप टॉप। ऐसे जमाने में आपने मुझे चार चार बच्चों की माँ बना दिया है। सॉरी, मुझे अब और बच्चे नहीं चाहिए। ओके। तो मैं अपनी फैमिली प्लानिंग करवा लूं? फैमिली प्लानिंग तो औरतें करवाती हैं, आप क्यों करवाएंगे? मैं करवा लूंगी। तुलसी, जब से तू मेरी जिंदगी में आई है तब से मैंने तेरे गाल पे जोर से चुटकी भी नहीं ली, कहीं मेरे नाखून का निशान नहीं आ जाए। मैं डॉक्टर की छुरी कैसे चलने दूंगा तेरे शरीर पे? मेरा दिल कट के टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाएगा? ऐसे क्या देख ली? समझ में नहीं आता कि आप अच्छे इंसान हो या बुरे। मतलब? मतलब ये कि आप मुझे प्यार तो बहुत ज्यादा करते हो लेकिन मेरी वो बात नहीं मानते हो। चले छोड़िए, मुझे जाना है, क्लास का टाइम हो गया है। मॉर्निंग टीचर। मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते। नमस्ते तुलसी बेटे, कैसी चल रही है तुम्हारी संगीत शाला? आश्रम के बच्चे मन लगा के सीख रहे हैं। तुलसी के सुरों से तो बेजान पत्थरों में भी सरगम छिड़ जाती है। ये तो आपकी महानता की जो आप ऐसा कह रहे हैं। मैं चलती हूँ, क्लास का टाइम हो गया है। बच्चों, इस पृथ्वी को ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड को एक शक्ति है जो चलाती है। आज हम उसी शक्ति से प्रार्थना करेंगे, उसे कुछ मांगेंगे, सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि सारे संसार के लिए। मेरे बल को बल, खेतों को हल, निर्बल को बल, खेतों को हल, नदियों को कल कल, नदियों को कल कल, धूप धान को, दिशा ज्ञान को, सुख जहान को, धूप धान को, दिशा ज्ञान को, सुख जहान को, के हो या दुख के धारे, तू ही पार उतारे। निर्बल को बल, खेतों को हल, नदियों को कल कल, नदियों को कल कल, कि हम भी जीवन में कर्म करें और फल ना देखें, आज सवारे कल ना देखें। निर्बल को बल, खेतों को हल, न
नदियों को कल कल, नदियों को कल कल। मातृदेवो भव, मातृदेवो भव। पितृदेवो भव, पितृदेवो भव। आचार्य देवो भव, आचार्य देवो भव। शक्ति देना सब कुछ सहले, हंसते हंसते हर मुश्किल में ढूंढ ले रास्ते। निर्बल को बल, खेतों को हल, नदियों को कल कल, नदियों को कल कल। बाबा देना। एक बात बता, तुम टूर तो एक बार जाते हो लेकिन एडवांस दो बार का मांगते हो, क्या है? अरे तेरी जेब से थोड़ी जा रहा है, मेरे को सेठ ने बोला जितना एडवांस चाहिए ले लो, फैमिली को बाहर लेके जाना है तो खर्चा बता। फैमिली को बाहर लेके जाना है, जानता हूँ तुम्हारी आदतें, फैमिली के नाम पे ड्रामेबाजी करता है। आईने एडवांस नहीं मांगना, पिछली बार भी ऐसी बोला था लेकिन ये आखिरी बार है, हर बार ऐसी बोलता है। हाँ बिल्कुल, अरे साइन तो करके जा। हेलो, हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, अरे एक मिनट, ए सूरज भाई तेरा फोन है, आओ। लो, हेलो, ए सूरज। हाँ विक्रम, क्या चल रहा है? आज बैठते हैं। नहीं नहीं, आज मुझे फैमिली को बाहर लेके जाना है। अरे आ जाना यार, दो पैक मार के चले जाना। नहीं नहीं आज नहीं, आज नहीं। अरे आजा, बहुत दिनों के बैठे, थोड़ा मूड बन जाएगा ना। मैं थोड़ी देर के लिए आता हूँ। अरे तू आ तो सही। ठीक है। दीप रेडी हो कि नहीं? हाँ रेडी माँ। ईशा कमिंग माँ, सबको लेके बाहर आओ। भाई सूरज अपनी जो दोस्ती है ना वो शराब और कबाब जैसी होनी चाहिए। नहीं नहीं यार, अपनी दोस्ती बिस्की और सोडे जैसी होनी चाहिए। मम्मी 8 बज गए पर पापा अभी तक नहीं आए। आते ही होंगे बेटा, किसी जरूरी काम में फंस गए होंगे। अरे मेरे बच्चे लोग, मैं आ गया। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। मम्मी आपने तो कहा था पापा पिएंगे नहीं और हमें फिल्म दिखाने ले जाएंगे। ईशा लो जी। तुम लोग अंदर जाओ। तुलसी, तुझे पता है मैं किस लिए पीता हूँ? मैं दुख के लिए पीता हूँ। मेरा दुख क्या है? मेरा दुख है कि मुझे लगता है कि मैं कोई गलती कर रहा हूँ।
गलती ये कि मुझे लगता है कि मैं पी ले हूं। और मैं पीता हूं तो तुझे दुख होता है ना, तेरे को दुख होता है तो मेरे को दुख होता है, मेरे को दुख होता है तो मैं पी लेता हूँ। लेकिन तू फिकर मत कर, मैं हूं ना। बच्चों का दिल तोड़ दिया आपने? नहीं, बच्चे तो बच्चे, बच्चों का दिल टूटते रहे। क्या लाए हैं? चिकन लॉलीपॉप, पिज्जा। Hey! चलिए खाना खा लीजिए। बच्चों ने खा लिया? हाँ। तुमने खाया? बोलो ना तुलसी। मिलता क्या आपको रोज रोज पीने से? अच्छा लगता है यार, मुझे लगता है मैं जिंदा हो गया हूँ, मेरे अंदर उमंग आ गई है, मुझे मैं हैप्पी हो जाता हूँ, मुझे सब कुछ अच्छा लगता है, मुझे तेरे प्यार आने लगता है, मुझे लगता है मैं करोड़पति हो गया हूँ, मैं तुझे कुछ भी दे सकता हूँ। मैं तंग आ गई हूँ, आप समझते क्यों नहीं, रोज रोज पी के आप जिंदगी भर की बीमारी मोल ले रहे हैं। अच्छा, ये समझते क्यों नहीं आप? अच्छा, कल से नहीं पीऊंगा, मेरे सर की कसम। चलिए खाना ठंडा हो रहा है। खाना तेरे सर पे रख दूंगा, गर्म हो जाएगा। आपकी इन्हीं बातों से मेरा गुस्सा गायब हो जाता है। चलिए, गुस्सा गायब हो गया। ये क्या कर रहे हैं आप? खुद भी गिरेंगे और मुझे भी गिराएंगे। बेटी तुलसी। नमस्कार स्वामी जी। जीती रहो बेटी। क्षमा कीजिए, मुझे आने में जरा देर हो गई। जरा नहीं, बहुत देर हो गई जी। तुलसी, आश्रम के नियमों के अनुसार 5 साल से ज्यादा यहां के मकानों में कोई रह नहीं सकता, और तुम्हें 10 साल से ज्यादा हो गए हैं। तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का चेहरा देखकर स्वामी जी आज तक कुछ बोल नहीं पाए, मगर संस्था की तरफ से कई नोटिस आए हैं कि आश्रम का वो मकान जिसमें तुम रहती हो उसे वापस ले लिया जाए। बेटी बुरा मत मानना। इतने सालों से आपने हमारा अच्छा सोचा है, हम बुरा कैसे मान लेंगे? लेकिन जब बिजली गिरती है तो कोई ना कोई जलता है, लगता है अब जलने की बारी मेरी है। ऐसा क्यों कहती हो बेटी? जीवन का नाम ही संघर्ष है। स्वामी जी, अगर मेरे पति को पीने की आदत ना होती तो इन 10 सालों में हमारा एक घर बन गया होता। लगता है मेरा भाग्य कुछ ऐसा है। सारा दोष तुम्हारे पति का है, आज मैं उसकी शराब छुड़वा कर रहूंगा, देखता हूं मेरी बात कैसे नहीं मानता वो। ये सूरज, सूरज, अरे अरे रुक 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 रुक, सूरज, ये सूरज, ये सूरज, रुक 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 सूरज, अरे आज कहीं का है सूरज, रुको सूरज।
अरे नमस्ते सूरज भाई, आ जाओ बैठो बैठो। ओ भाई क्वार्टर क्वार्टर। सूरज भाई क्या हुआ, परेशान दिख रहा है? अरे वो स्वामी मेरे पीछे पड़ गया यार। कौन कौन? मेरे को छोड़ा देना, इसमें से लियो ने यार। अरे सूरज भाई नीचे जा रहे? कुछ नहीं हुआ, अभी जो होना है वो होगा। अरे राजेंद्र, 3 नंबर के टेबल पे। स्वामी जी और यहाँ शायद पीने के लिए आए होंगे, मगर अंदर आने से शर्मा रहे हैं ऐसा लगता है। बाहर में आके पूछ रहा है वो है क्या? अरे इधर दारू नहीं मिलेगा तो क्या दूध मिलेगा है? स्वामी जी सब कुछ है, अंदर आ जाओ ना। इधर से जाऊंगा तो भाग जाएगा, इसीलिए मुझे पीछे से बुला रहा है। आइए यहाँ बैठिए। सर क्या लेंगे आप? बियर, विस्की, रम, जिन, वोडका? बदतमीज जाहिल, क्या मैं दारू पीने आया हूँ? दारू पीने नहीं आए हैं तो आप यहाँ आए ही क्यों? मैं यहाँ सूरज की दारू पर बंद करवाने आया हूँ। पीने से घर बर्बाद हो जाते हैं, पीना अच्छी चीज नहीं है। इतने शुद्ध विचार हैं आपके तो मेरे लिए खाली कटोरा भी ले आते। क्यों? अरे सबकी दारू बंद करवा दोगे तो मेरा तो अड्डा ही बंद हो जाएगा ना। फिर कटोरा लेके घर घर जाकर भीख मांगनी पड़ेगी। अल्लाह के नाम पर दे दे, भगवान के नाम पर दे दे। आप जाइए यहाँ से। नहीं नहीं, मैं जब तक सूरज की दारू बंद नहीं करवा दूँ मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। अरे आपको जाना ही पड़ेगा, चलिए। अबे जल्दी चल यार, गला सूख रहा है। स्वामी जी बाहर में, अरे क्या जवाना आ गया। भाग, स्वामी जी पीने की इतनी ही तड़प थी तो मुझे बता दिया होता, मैं सीधे आश्रम में 2 ड्रम भिजवा देता। बदतमीज बकवास बंद कर, तू क्या पिलाएगा और मैं क्या पीऊंगा? अमृत स्वामी जी, अब यहाँ तक आई गए ना आप तो साथ बैठ के 2-2 पैग। मेरी मत मारी गई थी जो मैं यहाँ चला आया। अरे यार ऐसा क्या बोल दिया मैंने, 2 पैग ही तो बोले थे। अरे खाली 2 पैग बोलने का गुस्सा नहीं आएगा तो और क्या आएगा? 2 बोतल बोलने का था, 2 बोतल। वो आपका दोस्त सूरज अपने बच्चों और तुलसी को कितना प्यार करता है, और आप? तुलसी है इतने प्यारे। और सुनो, वो सूरज क्या प्यार करेगा उससे? अगर वो मान जाए ना तो माँ कसम सारी दुनिया लुटा दूं उसके लिए। चकदार करे वार पे वार। तुलसी लव बास्केट मुझे पकड़ा दे, तुम्हारे हाथ बड़े नाजुक हैं। हाथ छोड़ मेरा। मां कसम 4 बच्चों की मां लगती नहीं हो तुम। बकवास बंद कर। तुलसी तेरा रोज रोज पैदल चलना मुझे अच्छा नहीं लगता। एक लेडीज बाइक दिलवा दूंगा, फुर से आश्रम फुर से घर, बस हफ्ते में 1-2 बार। अब मेरे बच्चों को आकर संगीत सिखा देना।
घरों में जाके संगीत सिखाने की जरूरत नहीं मुझे। पर मुझे तो है। देख तुलसी, तेरा पति महीने में 10-15 दिन बाहर रहता है गाड़ी लेकर, और बाकी के दिन बोतल के नशे में चूर रहता है रात दिन। क्या सुख देता होगा तुझे मैं तू। बस बहुत हो गया, आखिरी बार कहती हूँ सुधर जा। फिर ऐसी हरकत की ना तो अपने पति को बता दूंगी, और मेरे पति कैसा है तो अच्छी तरह से जानता है। ये तो घंटी बजा गई। शराब का असर अब तुम्हारे लिवर पे होने लगा है। सूरज, जीना चाहते हो तो शराब छोड़। इन्हें बोल बोल के थक गई हूँ, छोड़ते कहाँ है शराब। मैं तो छोड़ना चाहता हूँ लेकिन ब्लडी फूल छूटती नहीं है। तो दुनिया हाथ से छूट जाएगी। देखो सूरज, श्याम गांव में एक डॉक्टर है, डॉक्टर राज शर्मा, जो जड़ी बूटियों से बनी दवाई देते हैं, जिससे तुम्हारी शराब खुद ब खुद छूट जाएगी। ठीक है, मैं कल सुबह ही इन्हें श्याम गांव भेजती हूँ, डॉक्टर शर्मा के पास। दवाई लाना जरूरी है, शराब से आपका लिवर खराब हो रहा है, मर जाएंगे आप। अरे शराब का लिवर से कोई कनेक्शन ही नहीं है। अरे नहीं पीने वाले मर जाते हैं, पीने वाले तो लाइफ लॉन्ग पीते रहते हैं, एकदम हेल्दी फिट। अपने उस धोबी को देखो, 60 साल की उम्र हो गई, सुबह शाम रात दिन पीता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एकदम फिट है, हेल्दी है। पर वो दूध वाला, उसने जिंदगी में दारू कभी हाथ नहीं लगाया, 25 साल की उम्र में कल्टी हो गया। तो दारू का लिवर से कोई कनेक्शन नहीं है, दारू एक्चुअली बॉडी के लिए टॉनिक है। ओ, शराब टॉनिक है? टॉनिक है, मुझे पता ही नहीं था कि पीने से सेहत अच्छी रहती है। चलिए आज से मैं भी पीती हूँ। क्या शराब? नहीं, औरतों के लिए पीना ठीक नहीं है। क्यों नहीं? मर्दों के दो दो लिवर होते हैं। देखिए, जब आप पीना छोड़ देंगे तभी आपकी सेहत ठीक रहेगी, आप ठीक नहीं रहेंगे तो बच्चों का क्या होगा। प्लीज शराब छोड़ दीजिए। आप जैसे जा रहे हैं वैसे ही आइएगा, बिल्कुल फ्रेश। ओके, चलिए। बाय। जल्दी करो, स्कूल के लिए देरी हो रही है। गुड मॉर्निंग मम्मी। मम्मी, दूसरों के घर में सिर्फ एक ही भगवान है, हमारे यहाँ तीन क्यों है? ऊपर वाले के रूप चाहे कितने भी हो मगर वो एक ही है। मैं समझा नहीं। मैं समझाती हूँ। पापा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फादर। हिंदी में? पिताजी। और उर्दू में? अप्पा जी। मगर तीनों का मतलब एक ही है, डैडी। वैसे ही मुसलमानों के अल्लाह हो, क्रिश्चियन के जीसस हो, या हिंदुओं के राम हो, तीनों एक हैं। सभी अपने अपने तरीके से, अपनी अपनी भाषा में अपना दुख दूर करने के लिए उससे प्रार्थना करते हैं। जो जैसे भी बुलाए, सुनने वाला एक है। गांधी जी का कहना याद है ना? रघुपति राघव राजा राम, पति पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे दे भगवान। बहुत अच्छे। मम्मी, आज आपने भगवान से क्या मांगा? मैं हर दिन एक ही चीज मांगती हूँ कि तेरे पिता पीना छोड़ दे। नहीं,
नहीं, बस रुको। क्या हुआ? बस क्यों रुकवा रहे हो? हाँ उतरना है। आपने तो शाम गांव का टिकट लिया है, फिर यहाँ क्यों उतर? मालूम है, मेरी मर्जी किधर भी उतरू, टिकट लिया ना मैंने। बस रोको। होमवर्क किया? हाँ किया, मैंने भी किया। डैडी कहाँ बेटा? वो तो शहर गए, दो तीन दिन के बाद आएंगे। काम जल्दी पूरा हो गया तो आज शाम तक भी आ सकते हैं। बहुत चटर पटर करती है तो तुलसी की तरह। कहाँ स्कूल जा रहे हो? नहीं, स्कूल का ड्रेस पहन के और बुक्स लेकर डिस्को जा रहे। चलोगे क्या? जाओ जाओ, घंटी बज गई। नहीं है, इसीलिए तो आया हूँ। मतलब? एक शादीशुदा औरत को अब इसका मतलब भी समझाना पड़ेगा। चले जाए यहाँ से। बच्चे के दूध की बोतल खाली है, मैं दूध का व्यापारी हूँ, दूध की नदियाँ बहा दूंगा तुम्हारे लिए। चले जाए यहाँ से। देख तुलसी, बड़े बड़े टेम्पो और ट्रक चलाए हैं मैंने जिंदगी में, पर ऐसी नाजुक गाड़ी कभी नहीं चलाई। बहुत औरतों का मजा चखा है मैंने जिंदगी में, पर ऐसी सुरीली औरत को कभी नहीं चखा। देख, चल सुर से सुर मिला के निकल जा यहाँ से। इज्जत से मान जा, मैं तेरी दोस्त की बीवी हूँ। थोड़ी देर के लिए मेरी बन जा। ये ले। ले विजय, ले तुलसी।
आज बाजा मैं बता तेरे को मैंने क्यों पी है। अरे डॉक्टर, डॉक्टर क्या बोला मेरे को? डॉक्टर बोला तुमको तो मैं दवाई दे नहीं सकता, मैं तुम्हारा लीवर जो है ना वो दवाई के लिए रेडी नहीं है। तुम जाओ जाओ, अभी तुम पियो, महीने भर तक पियो, महीने भर तक पियो, खूब पियो, उसके बाद आओ और फिर उसके बाद मैं दवा दूंगा, उसके बाद दवा का असर होगा एकदम फटाक से। तेरी कसम, सॉरी मेरी कसम, ऐसे ही बोल रहा था मैं यार। कल तक आप सिर्फ पीते थे, आज से झूठ बोलना शुरू कर दिया। आपको हमारी कोई परवाह नहीं, हम पे क्या बीतती है इससे कुछ मतलब है आपको? अगर हम मर भी गए तो शराब के सहारे जी लेंगे आप, लेकिन नहीं बदलेंगे। कैसी बात करी तू? जानते दुनिया मुझे क्या समझती है? शराबी की बीवी, और हमारे बच्चे शराबी की औलाद, और ऐसे शराबी की बीवी बच्चों को दुनिया कितनी गिरी हुई नजर से देखती है, इसका एहसास है आपको? सुनना मुझे पड़ता है, तेरा पति तुझे कैसे सुखी रखेगा? इतनी गंदी गंदी बातें सुन के मर जाने का दिल करता है मेरा। ऐसी बात क्यों कर रही है? जल्दी जल्दी बची हूं मैं, आपको बताने से क्या फायदा? ए, बताओ ना मुझे क्या हुआ, क्या बताओ ना क्या हुआ? पापा, आपके दोस्त विक्रम ने घर में घुसकर मम्मी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। चल बार में बात करते हैं। बात यहां पर होगी तेरे मोहल्ले के अंदर, तेरे घर में। वंदना वंदना, क्या हुआ भाई साहब? तुम मुझे भाई बोलती हो? हाँ। तुम मेरी बहन हुई? हाँ। मेरी बीवी इस सुअर की क्या हुई? बहन, इस कुत्ते के बच्चे ने अपनी बहन की इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की है। इधर आओ भाई साहब। भाई साहब बीच में भाई साहब।
अगर आज के बाद तूने मेरे घर की तरफ नजर उठा के भी देखी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। थू हरामजादा कितना घटिया आदमी है, थू कितना गंदा आदमी है। जिंदगी भर आज का दिन याद रखेगा, इसको कीड़े पड़ेंगे। तुम्हारे पति ने मेरे घर आकर पूरे मोहल्ले के सामने मुझे बेइज्जत किया है। उसने तो सिर्फ मेरे बदन पर चोट पहुंचाई है, पर मैं उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, याद रखना। छूना छपाकी आके दिलों को छू जाना, छूना छपाकी, छूना छपाकी आके दिलों को छू जाना। छूना सको जो यहाँ किसी को, छूना सको जो यहाँ किसी को, रोना नहीं तुम गाना। छूना छपाकी, छूना छपाकी आके दिलों को छू जाना। छपाकी, छूना छपाकी आके दिलों को छू जाना। नए से लगे हैं ये नजारे तुम्हारी तरह प्यारे प्यारे, बनेंगे ये फूल तारे, रहे जो यूं संग हमारे, संग तेरे रहने की खाई मैंने कसमें, रहते नहीं हो तुम अपने भी बस में। छोड़ो ना छेड़ो किस्सा पुराना, आके दिलों को छू जाना। छूना छपाकी, छूना छपाकी आके दिलों को छू जाना। लगे तुम मुझे बुलबुल सी या फिर खिलते से गुल सी, तू चाहे जो कुछ भी कह ले मैं तेरे घर की हूँ तुलसी। देखे तुम्हें चाहे तुम्हें पूछे तुम्हें लाखों में, सोचो में हो दिल में हो रह तुम आँखों में, आँखों से तुम ना कभी गिराना आके दिलों को छू जाना। आँखों से तुम ना कभी गिराना आके दिलों को छू जाना। छूना सको जो यहाँ किसी को, छूना सको जो यहाँ किसी को, रोना नहीं तुम गाना। छूना छपाकी, छूना छपाकी आके दिलों को छू जाना।
छूना छपाकी, छूना छपाकी, आके दिल को छू जाना। मुझे कल बहुत मजा आया ना। पापा ग्रेट हैं यार। चल सरक। देखो बच्चे कितने खुश हैं। लाइए पापा, मैं आपकी शर्ट आयरन कर देती हूँ। अरे बेटा, तेरी माँ के माथे से परेशानी की सलवटें हट गई, मेरी शर्ट पे सलवटें पड़ी रहे, क्या फर्क पड़ता है। ईशा छोटू को देखना, मैं तेरे पापा का बैग तैयार करती हूँ। पापा आपको पता है ना कि आप शहर जा रहे हो, लाइए ना शर्ट दीजिए। अरे छोड़, तू ये बता तेरे लिए क्या लेके आऊं। एक अच्छा सा पंजाबी सूट, रेशम की कढ़ाई वाला, और साथ में रेशमी दुपट्टा जिसमें गोल्डन बॉर्डर होती है। इम्पोर्टेड बैट जैसा मेरे फ्रेंड रमेश के पास है, उस बैट की वजह से वो बहुत भाव खाता है। अच्छा, मैं तेरे लिए सचिन तेंदुलकर का बैट लेता हूँ, फिर तू गाना भाव और खाएगा भाव। तेरे के लाओ मेरी जान। सुपर कंप्यूटर। अरे तेरी की बहुत पढ़ता है, तू डॉक्टर बनेगा। और मैं, तू तो स्टाइल वाला यार, तू तो हीरो बना दूंगा मैं। मैं तो इंस्पेक्टर बनूंगा। अरे पुलिस वाली। और तू क्या बनेगा? क्या बनेगा बेटा? बैग में नींबू का अचार डाल दिया है, बाहर का खाना अच्छा नहीं कह के भूखे नहीं रहिएगा, दो जाने वाले ही सही, अचार के साथ खाइएगा। तुम्हारी शहर से क्या लाऊं? मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने शराब छोड़ दी, मेरे लिए काफी है। तुम्हारे लिए काफी है, लेकिन इस गरीब को क्या होगा? इस गरीब को कुछ मिलेगा? इस गरीब को कुछ मिलेगा क्या? अरे पापा। बेटी। हाँ जी। क्या? चलो। मैं आता हूँ, जल्दी आऊँगा। पापा को बाय बोलो। ओके। बाय पापा। बाय चिंता। बीजू आपके साथ रोड तक। आ जा। दीप, संभाल के जाना बेटे। डोंट वरी माँ। ध्यान से। चलिए पापा। बाय। टाटा। पापा रेस हो जाए। हाँ चल हो जा। चलिए पापा, तैयार हो जाइए। रेडी? आज मैं आपको हरा दूंगा। रेडी? ये मैं जीत रहा हूँ डैडी। ये बस। ये देखिए क्या। अरे वाह वाह वाह। बस बस बस। अरे गाड़ी को हरा दिया। जाओ भी तुम। ठीक है डैडी, बाय। तड़ा तड़ा। बेटा सूरज, आज तो तेरी मैं ऐसी घंटी बजाऊंगा कि जिंदगी भर के वास्ते तेरे घर में अंधेरा न कर दिया तो मेरा भी नाम विक्रम साइकिल नहीं। मेरा बेटा ज्यादा सीरियस तो नहीं है? खून ज्यादा बह गया है, लेकिन घबराओ मत, खून चढ़ाने से सब ठीक हो जाएगा। माँ और बच्चे का ब्लड ग्रुप एक ही है, तुलसी का खून ले लो। ओके सर।
तुलसी का खून लेना बंद करो। ओके सर। वर्षा ब्लड लेना बंद करो। ठीक है। कैसी तबीयत है? डॉक्टर कह रहे हैं ठीक हो जाएगा। डरने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। हाँ। आपको नहीं, स्वामी जी को। घबराने की कोई बात नहीं, मैं देखता हूं। नमस्ते डॉक्टर साहब। आइए स्वामी जी, बैठिए। आप तुलसी के क्या लगते हैं? तुलसी और उसका पति सूरज दोनों अनाथ हैं। वो हमारे आश्रम में पलकर बड़े हुए, दोनों में प्रेम हुआ और उन्होंने शादी कर ली। इस वक्त तुलसी का पति कहाँ है? इस वक्त तुलसी का पति अपने सेठ के साथ टूर पे गया हुआ है। तो इस समय मैं किससे बात करूं? डॉक्टर साहब आप मुझसे बात कर सकते हैं, तुलसी मेरी बेटी समान है। तुलसी को बुलाओ। ओके सर। आपको डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। जी डॉक्टर साहब। बेटी घबराने की कोई बात नहीं, तुम्हारा बेटा अच्छा हो जाएगा। तुलसी, सर दर्द बदन दर्द हमेशा रहता है क्या? नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा कुछ भी नहीं होता मेरे बेटे को। बेटे की नहीं, मैं आपके बारे में पूछ रहा हूँ। मेरे बारे में? कभी कभी आपकी नाक से खून बहता है? हाँ, कभी कभी बहता है। अब तक ऐसा कितनी बार हुआ है? इतना कुछ याद नहीं है, लेकिन डॉक्टर से दवाई ली थी, उन्होंने कहा था कि साइनस का प्रॉब्लम है। सर में जोरों के दर्द के साथ चक्कर भी आते हैं कभी? हाँ कभी कभी आता है, मगर सर दर्द की दवा खा लो तो आराम हो जाता है। ठीक है, आप बाहर बैठिए, मैं बुलाता हूँ। अरे डॉक्टर साहब, एक्सीडेंट बेटे का हुआ है और आप तबीयत तुलसी की पूछ रहे हैं? स्वामी जी, बेटे के एक्सीडेंट से ही एक्सीडेंटली हमें माँ की बैड हेल्थ के बारे में पता चला। ये कोइंसिडेंट है, बेटे को खून देने के लिए माँ का खून जब टेस्ट किया तो हमारे लैब के चीफ टेक्नीशियन को कुछ शक हुआ, इसीलिए तुलसी से कुछ सवाल पूछने पड़े। ये देखिए तुलसी की ब्लड रिपोर्ट। बताइए ना स्वामी जी, डॉक्टर ने मेरा खून मेरे बेटे को क्यों नहीं दिया? उनके सवालों के पीछे क्या बात है? तुलसी, सूरज कब लौट कर आएगा? आप सूरज के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? ऐसे कौन सी बात है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं स्वामी जी? कहीं मेरे बेटे की जान को खतरा तो नहीं? नहीं नहीं तुलसी, तुम्हारे बेटे का जीवन बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने को कहा है, सोचने और दिमाग पर जोर देने को मना किया है। पर लेकिन मुझे क्या हुआ? मैं तो अच्छी खासी हूं। तुम आगे भी अच्छी खासी रहो, इसीलिए डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने को कहा है। नहीं स्वामी जी, कुछ बात है
जो आप मुझसे छुपा रहे हैं। आप साफ साफ बताइए ना, क्या हुआ है मुझे? स्वामी जी, मैं बच्ची नहीं हूं। मैंने आपका चेहरा पढ़ लिया है, पर समझ में नहीं आ रहा कि बात क्या है। मैंने पहले कभी आपका चेहरा ऐसा नहीं देखा। मैं अनाथ हूं, इस कड़वे सच को निगलते हुए बड़ी हुई हूं। जिसको जीवन साथी बनाया वो शराब का साथी बन गया। इस कड़वेपन को भी शहद की तरह निगल गई हूं मैं। इससे भी कड़वा जहर अगर तकदीर ने मेरी जिंदगी में घोल दिया हो तो उसे भी पीने का सहने का धीरज है मुझ में। बताइए नहीं स्वामी जी, आपके खामोशी के पीछे कौन सा तूफान छिपा है? बताइए मुझे, मैं मुकाबला कर लूंगी। मर मर के जीना सीख लिया है मैंने। स्वामी जी, आप संकोच मत कीजिए, मुझे बहुत सहन करने की शक्ति है। बताइए मुझे। तुम्हें सुनने की शक्ति है, मगर मेरी जबान में कहने की शक्ति नहीं है। खैर, जो बात कल खुलनी है वो आज ही खुल जाए। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें एक खतरनाक बीमारी है। लेकिन दवा खाने से आहिस्ता आहिस्ता बीमारी ठीक तो हो जाएगी ना? वो ठीक होने वाली बीमारी नहीं है बेटा, वो आती है तो अपने साथ लेकर ही जाती है। ज्यादा नहीं जियोगी, बस 2 या 3 महीनों की मेहमान हो तुम। तुझे ब्लड कैंसर है। गाड़ी का नंबर याद है तुम्हें? नहीं दादी, वो मुझे पीछे से टक्कर मारकर भाग गया। आदमी नहीं जानवर होगा सारा, पता चलेगा तो टुकड़े करके गली कुत्ते को गिरा दूंगा। तुलसी, तुलसी जी, क्या हुआ है तुम्हें? तुम जब से हॉस्पिटल से आई होती चुप क्यों? मैं कह रहा था कि बच्चों पे थोड़ा ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा। अगर मैं नहीं रही तो क्या कह रही हो तुम? मैं सोच रही थी आप इस हादसे से तब परेशान हो गए, कल कुछ बड़ा हादसा हो गया तो आप तो संभाल ही नहीं पाओगे। मुझे संभालने के लिए तुम हो ना मेरे साथ। घर चलिए, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। मम्मी, आप रो क्यों रही हो? कुछ नहीं बेटा, दीप का एक्सीडेंट नहीं था क्या? आज मेरे साथ बैठ बैठ मेरा बच्चा यार,
मेरा बच्चा बच गया है। बच गया है? आज सब पियो, फिर जाके मुर्गी खा लेंगे। किधर? मेरे घर पे। घर? हाँ घर में। छोड़ो मत यार, छोड़ो मत। पकड़ दो उसको। दीप अंदर जाओ, तुम सब अंदर जाओ। ले तुलसी, ले ले ये मुर्गी, ले इसका चिकन बना दे, चिकन चिली, चिकन फ्राई, चिकन मसाला, ऐसा तो 5-7 डिश बना दे। तो दोस्त लोग आ गए यार, इनको खाना खिलाना है। मेरा बच्चा बच गया यार। मैं बहुत खुश हूँ तुमसे। मेरे लिए चिकन रोस्ट, मेरे लिए चिकन करी, और मेरे लिए सलाद। सलाद? चिकन और सलाद बनता है क्या? बनेगा, सलाड भी बना दे। अपने 2-4 डिश बना दे। शराब का नाटक घर में नहीं चलेगा। अपने से बना दे। अपने खाने पीने का इंतजाम बाहर कर लीजिए। क्या बकवास कर रही है? जोगर ले। सूरज, लगता है आज भाभी का मूड ठीक नहीं है। आज रहने दो, हम फिर कभी बैठेगा। भाभी का मूड ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। उसका मूड ठीक है, मैं देखता हूँ। वो मेरा कहना मानती है। ये इसकी बीवी है ना, इसके कंट्रोल में नहीं है। चलो कहीं चलते हैं, नहीं तो सलाद भी नहीं मिलेगा। तेरे दिमाग के अंदर कीड़ा घुस गया क्या? हाँ, मैंने अपने दोस्तों को यहाँ खाने पे बुलाया, तूने उनके बेइज्जती कर दी। ऐसे क्या देखती है? इस घर का मालिक कौन है? शराब पी के तेरे पे हाथ उठा दिया यार। मैं इंसान नहीं हूं, मैं शैतान हूं, भगवान की कसम। तू मुझे बता दे मैं क्या करूं, मुझे बता दे मैं क्या करूं। मैं इसलिए नहीं रो रही हूं कि आपने मुझे मारा, बस फिक्र है होगा हमारे बच्चों का। हम इस तरह रोज पीते रहेंगे, कहीं हमारे बच्चे बिगड़ ना जाए। ठीक हो जाएगा तुलसी, सुनो, ठीक हो जाएगा।
मुझ में आपको बताने की हिम्मत भी नहीं है और छुपाया भी नहीं जा रहा। क्या हुआ? समझ में नहीं आता, जब हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा तो उसने हमारा नसीब इस सर से क्यों बिगाड़ दिया? मुझे समझ में नहीं आ रहा तू क्या कह रही है। तुलसी, मुझे थोड़ा डर लग रहा है, क्या 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 कहना चाह रही तू? मैं आप सबको छोड़ के जा रही हूं बहुत जल्दी। छोड़ के जाने वाली? अब छोड़ के चली जाएगी, मुझे अकेला छोड़ के चली जाएगी? पागल हो गई है? हाँ, कहाँ जाएगी? उस दिन हॉस्पिटल में जब दीप को खून देने के लिए मेरा खून लिया गया, क्या कह रही तुम? मैंने तुम पे हाथ उठाया इसलिए मजाक कर रही हूं ना? तुम झूठ बोल रही हो ना? तुम झूठ बोल रही हो ना? तुम हाँ देवी है, वो तो आपके भगवानों को पूछती है और एक नहीं सारे भगवानों को पूछती है, फिर उसको इतना दर्द, इतनी तकलीफ, ये क्या तरीका है आपके भगवान का? ये कोई इंसाफ है? अरे सजा देनी थी मुझे, देता मैं शराबी हूं, मैंने अपनी बीवी बच्चों का दिल दुखाया है शराब पी के, मुझे देता ही तकलीफ, मुझे देता ही बीमारी, मैं झेल जाता, लेकिन किसी और का तो मैंने भी कुछ नहीं बिगाड़ा है, अपना कमाता हूं, अपनी कमाई की पीता हूं, पी के सो जाता हूं, वो नहीं रहेगी तो मेरे बच्चों का क्या होगा? अरे सो, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तुलसी को कुछ भी करने के पहले उसे मुझे उठाना होगा। आप बोल देना अपने भगवान को। मैं तुम्हारा दर्द अच्छी तरह समझता हूं। मैं या तुम अब उसकी इच्छा के विरुद्ध तो कुछ नहीं कर सकते ना। और हां, तुलसी के लिए तुम एक काम कर सकते हो। मैं उसके लिए अपनी जान दे सकता हूं, बताइए क्या करूं? अब जितनी भी उसकी जिंदगी बची है उसे सुख चैन से जीने दो, और तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारी किस बात से उसे सुख मिलेगा। बोलो क्या बोलना चाहती हो तुम? मेरी ख्वाहिश है, पूरी करेंगे आप? बोलो। आप दूसरी शादी कर लीजिए। क्या क्या बोल रही हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मेरी जाने के बाद बच्चों को माँ की कमी नहीं महसूस होनी चाहिए। बचपन में जो प्यार हमें न मिल सका
वो हमारे बच्चों को पूरी तरह से मिलना चाहिए, इसलिए आप उन्हें दूसरी माले की आइए। ये तुमने कैसे सोच लिया कि दूसरी औरत हमारे बच्चों को तुम्हारे जैसा प्यार दे सकेगी? मेरी तुलसी जैसा प्यार? सायों के पीछे भागने से जिंदा जिस्म नहीं मिलते। तुम ऐसा मत सोचो, कुछ नहीं होगा तुम। मुझे मरने का गम नहीं है, बस अफसोस इतना है कि मैं बच्चों को पूरी तरह से प्यार नहीं दे सकी। और एक बात और, बच्चों को मेरे बीमारी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि मरते हुए मैं उन्हें खुशी देखना चाहती हूँ। बेवक्त मौसम बदलते नहीं, आंसुओं से कभी फूल खिलते नहीं, बारिशों से ना भीगे कभी आसमां, सिर्फ बातों से तो जख्म भर नहीं। दर्द किस्मत में चाहे हो कितना घना, जो लिखा है पड़ेगा वही भोगना। वक्त बेवक्त मौसम बदलते नहीं। मिलन भी यहाँ पे जुदाई भी है, आना डोली का भी है विदाई भी है। मिलन भी यहाँ पे जुदाई भी है, आना डोली का भी है विदाई भी है। कौन जीतेगा ये देखना है मुझे, कौन जीतेगा ये देखना है मुझे। दर्द मेरा है तेरी खुदाई भी है। भरते नहीं दर्द किस्मत में चाहे हो कितना घना, जो लिखा है पड़ेगा वही भोगना। वक्त बेवक्त मौसम बदल पैसे। थैंक यू सर।
क्या है? टेम्पो हटा। और जो नहीं हटाए तो फिर मारेगा। चल जाने देना। तूने एक बार मेरे को बहुत मारा था। मैंने तेरे लड़के की घंटी बजा दी थी इसी टेम्पो से। वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी, बच गया। देख विक्रम, जो बीत गया उसे जाने दे। मैं किसी के साथ झगड़ा नहीं करना चाहता, ठीक है? मैं जा रहा हूं, ठीक है? अरे मैं लड़ना नहीं चाहता, छोड़ दो। बहुत तड़पा रहा है तूने और तेरी घरवाली ना मेरे को। छोड़ दे, छोड़। मैं तुझे आखिरी बार बोल रहा हूँ, मैं लड़ना नहीं चाहता अभी तक। प्लानिंग से आया था सर, मत मार। मेरी बीवी कुछ दिनों की मेहमान है, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, मत बच्चों को मत बुला, मुझे इस हाल में देख ही पाएंगे तुझ। जिंदगी में तुझे कभी सुख नहीं दे पाया, सोचा कुछ दिन खुशी दूँ। ये क्या हो गया? मुझे लगता है तेरे भगवान ने
मेरी बात सुन ले, तेरे से पहले मैं छोड़ के जा रहा हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कुछ नहीं होगा आपको, आप हमें ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। हमारे बच्चे अनाथ नहीं होने चाहिए। मेरे जाने के बाद आप ही को संभालना है उन्हें। आपने वादा किया मुझसे, आप मेरा वो वादा तोड़ नहीं सकते। आप कुछ नहीं होगा, चलिए चलिए हॉस्पिटल चलिए। हाँ चलो। मुझे माँ आसमान में क्या देख रही हो? कहते हैं दुनिया से कोई चला जाता है तो आसमान में तारा बनके चमकने लगता है और वो वहां से अपनों को देखता है। देख रही हूँ, शायद तुम्हारे पापा भी हमें देख रहे होंगे। माँ बहुत ठंडी लग रही है, अंदर चलो ना। स्वामी जी, मुझे डर है कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे सड़क पे ना आ जाए। मैं चाहती हूं कि उन्हें ऐसा परिवार मिले जो उन्हें खुद के बच्चों की तरह पाल सके, उन्हें सच्चा प्यार दे सके। मुझे थोड़ा समय दो। समय? मेरा समय तो ऊपर वाला कब का तय कर चुका, और मैं जानती हूं कि इतना दूर नहीं है। इसलिए आपको जो कुछ भी करना है मेरे जीते जी कर दीजिए। ठीक है बेटी, नमस्ते। थैंक यू मम्मी, आपने मेरे लिए बैंगन भरता बनाया। और मैंने पनीर करी और चपाती के लिए कहा था, बनाया क्या माँ? सब बनाया है, अगर मैं ही ना रहूं तो तुम लोग को ये सब कौन बना के खिलाएगा? क्या तुम हमारे साथ नहीं रहोगी? मैं तुम लोगों के साथ रहना तो चाहती हूँ, लेकिन मुझे जाना होगा। कहाँ जाना जाओगी माँ? मैं वहां पहले कभी नहीं गई, लेकिन दूर है। माँ हमें भी साथ ले चलो ना। ऐसी बातें नहीं करते, हम तुम्हारे बगैर अकेले कैसे रहेंगे? रहना पड़ेगा बेटा, तकदीर का फैसला है। मुझे कहीं दूर एक बहुत अच्छा काम मिल गया है,
मुझे जाना होगा। नहीं माँ, हमें छोड़कर मत जाना। ऐसी बातें नहीं करते बेटे, तुम लोगों के जीवन सवर जाए तभी मुझे खुशी मिलेगी। क्या तुम मुझे खुशी नहीं देना चाहते? देना चाहते हैं माँ। तो जैसा कहती हूँ वैसा करो। वहां जाने से पहले तुम्हारा इंतजाम करके चौकी में। एक एक करके सबको अच्छे परिवार में सौंप के चौकी में। वहां अच्छे कपड़े, अच्छा खाना और बहुत प्यार करने वाले माँ बाप मिलेंगे और सब कुछ रहेगा। प्लीज माँ, हम सबको एक ही घर में देके जाना। एक ही घर में कोई चार बच्चों को कैसे संभालेगा बेटी? तुम तो संभाल लेती हो। मैं माँ हूँ। मगर माँ, हम दोनों को एक ही घर में देकर जाना तुम, क्योंकि विजय को हमेशा मेरी जरूरत होती है। जरूर बेटी, तुम दोनों को एक ही घर में सौंप के जाओगी। क्या हुआ, क्यों रो रही हो ईशा? मम्मी, आपने झूठ क्यों बोला कि आपको बड़ी जॉब मिली है? मैं जानती हूँ आप मरने वाली हो। तुम्हें कैसे पता चला? आप जब पापा को बता रही थी मैंने सब सुन लिया था। दीदी, माँ क्यों रो रही है? कुछ नहीं, वो हम सबको छोड़कर जा रही है ना, इसलिए। मम्मी, आपने ही तो कहा था ना कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। मैं आपके लिए भगवान से रोज प्रार्थना करती हूँ कि वो आपको लंबी उम्र दे, आपको कुछ नहीं होगा, आप मरने वाली हो, ये आपको डॉक्टर ने कहा, भगवान ने तो नहीं था। बेटी, भगवान के किए फैसले ही डॉक्टर हमें बताते हैं। मेरे जाने के बाद मेरी आत्मा दुखी ना हो, इसलिए तुझे खुश रहना होगा। मम्मी, आप फिक्र मत करो, बस अब काम छोड़ दो, मैं कोई भी काम करके घर को संभाल लूंगी। प्लीज, आप आइंदा बात मत कहना कि आप हमें छोड़कर जा रही हो। रोते नहीं बेटे, जो आश्रम तुम्हें पाल पोस कर बड़ा कर सकता है तुम्हारे बच्चों को उजड़ने के लिए छोड़ देगा। स्वामी जी, मेरे बच्चे आश्रम में रह लेंगे लेकिन वो बड़े होकर किसी भी मुकाम पे पहुंचे अपने आप को अनाथ ही समझेंगे, क्योंकि उन्हें माँ बाप के प्यार की आदत पड़ चुकी है। इसलिए मैं उन्हें ऐसे परिवारों में सौंपना चाहती हूं जिनकी औलाद न हो, जो बच्चों को प्यार दे सके और जो बच्चों का प्यार पाना चाहते हो। मेरी ये अंतिम इच्छा पूरी होगी ना स्वामी जी? देखो, ऐसे माँ बाप जो बे औलाद हैं उनके कुछ लेटर्स आए हैं हमें। अब तुम्हारे जैसा प्यार तो वो नहीं दे पाएंगे, पर
उनमें से जो सबसे अच्छा परिवार मुझे लगेगा उसे भेज दूंगा तुम्हारे पास। स्वामी दयानंद इसी काम पर लगे हुए हैं। धन्यवाद समझी। आइए डॉक्टर साहब। तुलसी, मैंने तुम्हें डॉक्टर साहब के बारे में कहा था ना जी। यही वो डॉक्टर माइकल डिसूजा। नमस्ते। और उनकी पत्नी डॉक्टर अंजलि डिसूजा। नमस्ते। कम आइए आइए। आओ अंजलि बैठिए। डॉक्टर साहब मैं अभी आया जी। तुलसी जल्दी से उन्हें बच्चा दिखा दो, उन्हें जाना है। बाकी जो फॉर्मेलिटीज है वो बाद में कर लेंगे। चिकी चिकी चिकी। बहुत क्यूट है। आप लोग बातें कीजिए, मैं भी आती हूँ। ओके। तुलसी जी, स्वामी जी ने हमारे बारे में आपको बता दिया होगा। क्यों रो रहा है बेटा, क्यों रो रहा है, क्या हुआ तुझे? स्वामी जी बच्चा हमें बेहद पसंद है। अच्छा अच्छा तुलसी एक मिनट, अब आप कुछ पूछना चाहती हैं तो पूछ लीजिए। डॉक्टर साहब, तुलसी के मन में एक छोटी सी चिंता है। तो आप पूछिए ना प्लीज। आई प्रॉमिस यू मैं किसी भी बात का बुरा नहीं मानूंगा। डॉक्टर साहब, वो छोटी सी चिंता यह है, आज आपको औलाद नहीं, अगर कल को औलाद हो गई तो? तुलसी जी, अंजलि और मैं हम दोनों डॉक्टर्स हैं। काफी मेडिकल टेस्ट के बाद हमें पता चला है कि हमारे यहां बच्चा नहीं हो सकता, इसीलिए बहुत कॉन्शियसली हमने डिसाइड किया है कि हम बच्चा अडॉप्ट करेंगे। और अब आपकी तसल्ली के लिए मैं अपनी पूरी जायदाद उसके नाम लिखने को तैयार हूं। वैसे भी बच्चा गोद लेने के बाद वो मेरा ही तो होगा ना, आपको कोई इतराज तो नहीं है ना? छोटू क्या कर रहा है? खा रहा है? छी छोटू इधर देख, तो खेल हमारे साथ। नहीं मम्मी, मम्मा ने, मम्मा कमजली।
अरे स्वामी जी, तू सिर्फ खाते ही रहेगा, मेरी बात की तरफ ध्यान नहीं देगा। तुम्हारा नाम अमीर चंद नहीं बल्कि फकीर चंद होना चाहिए था। देख स्वामी, तू मेरा बचपन का दोस्त है। हाँ। तुझे मालूम है ना, मुझे फिजूल का खर्चा बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ एक ही बच्चे को गोद लूंगा और दूसरे का पैसा बचाऊंगा। दो दो बच्चों को मफलर की तरह गले में लटका के क्या करूंगा, और वो भी एक अपाइज। छे, मैं मरूंगा लेकिन दोनों को गोद नहीं लूंगा। बैठो तुम। इंसान जब मर जाता है तो उसको अर्थ पे लिटाने के लिए दो आदमी की जरूरत पड़ती है, एक सर की तरफ से उठाता है, दूसरा पैरों की तरफ से। बस सर की तरफ से उठाने वाला चाहिए, टांग की तरफ से तो कोई भी उठाएगा, और अगर नहीं उठाया तो भी चलेगा। देख स्वामी, तू मेरा दोस्त है इसलिए मैं एक बच्चा गोद ले रहा हूँ। हाँ, लेकिन आगे मुझे कुछ नहीं मालूम। अरे मेरी बीवी को तो एक बच्चा गोद में लेना भी पसंद नहीं है। क्या हुआ स्वामी जी? हम सब के लिए एक दुख की बात है, मेरा वो दोस्त दो बच्चों को गोद लेने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन वो दोनों तो जुड़वा है, दोनों साथ रहेंगे तो अच्छा है, विजय को दीप की मदद मिलती रहेगी। मैं जानता हूँ लेकिन वो इनकार कर रहा है। कोई वजह? वो अपाहिज बच्चे को गोद लेना नहीं चाहता। तो चिंता मत कर, उसको भी दिल से लगाने वाला कोई ना कोई मिल जाएगा। ये मौका मत गवाना बेटी, एक बच्चे को गोद ले रहा है, लेने दो। तुलसी, मेरी बात मान जाओ। जैसे आपकी मर्जी। अमीर चंद, ये बच्चों की माँ है। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। बेटा, अंकल और आंटी को गुड मॉर्निंग कहो। गुड मॉर्निंग अंकल, गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग बेटा। देख, एक शान दिखता है लेकिन अपाहिज है, किसी काम का नहीं है, और दूसरा इतना चालू दिखता है कि हमें बेचकर खा जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ खर्चे बचाओ और चुपचाप गाड़ी से निकल जाओ। आप जरा शांत रहेंगे, देखिए कितने दुखी हैं दोनों। हाँ, लेकिन उनके खर्चे उठा उठा के मैं क्यों दुखी बन जाऊँ? अरे कहाँ गए? दो लो बेटा। ले लो। लो, तुम भी लो। कितने प्यारे बच्चे। नमस्ते। 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 क्या हुआ? दोनों को मिठाई क्यों दी? जिसको पसंद किया था उसी को देनी चाहिए थी ना, वरना दोनों गले पड़ जाएंगे और फट जाएगी मेरी जेब। आपका तो हमेशा यही है। चलिए अब चलिए, चलिए ना। वो मेरे बैग में मत रखो, स्कूल यूनिफॉर्म है। वहाँ का स्कूल यूनिफॉर्म तो अलग होगा ना। दीप, फिर तुम कब आओगे? मुझे क्या पता। अच्छा बेटा, वहाँ पे भी अच्छा बन के रहना, किसी से झगड़ा नहीं करना। झगड़ने का टाइम ही कहाँ मिलेगा? क्यों बेटा? सारा समय तो तुम्हें याद करने में ही निकल जाएगा। चल मैं लेकर आता हूँ।
जल्दी करो ना भाई, रात हो गई तो कार की हेडलाइट जलाकर चलना पड़ेगा, बल्ब की गारंटी कम हो जाती है। चल चल जल्दी कर। मैं कैसे विदा लूं आपसे, समझ में नहीं आ रहा है। अरे जब समझ में आएगा तो समझा देना, अभी चलो। तुलसी बहन, मजबूरी है, हमें चलना पड़ेगा। जब भी औरतें एक दूसरे से बोलना शुरू करती है ना, तो साला ऐसा लगता है डेली सोप शुरू हो गया। एक दूसरे के गले ही लगते जा रहे हैं। जल्दी चलो। ये क्या लगा रखा है, अब चल भी पड़ो। चलो बेटे। क्या सोच रहा है विजय? तुम कब जा रही हो दीदी? कहाँ? जैसे छोटू और दीप चले गए वैसे तुम कब जा रही हो? माँ बोल रही थी कि तुम्हें भी कोई लेने के लिए आने वाला है। मैं कहीं नहीं जाने वाली। तुम्हें और माँ को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाने वाली। इनकी बातें मकड़ी की जाल की तरह होती हैं, कोई भी फंस जाएगा। अरे बुढ़िया, जो बात करने आई हो खुदा के लिए वही बात करो। कहाँ इन मकड़ियों और मक्खियों के बीच में फंस गई हो? देखो बेटी, हमें लड़की की बड़ी तमन्ना थी, सोचा था उसका नाम आरजू रखेंगे, लेकिन वो आरजू इन्होंने कहाँ पूरी होने दी। चुप करो जी। मेरे तीन लड़के थे, एक लड़का बड़ा वाला प्लेन क्रैश में गुजर गया, दूसरा अमेरिका में है और तीसरा कनाडा में सेटल्ड है, पर अफसोस उनको ना जायदाद में इंटरेस्ट है और ना अपने बूढ़े माँ बाप में। अब छोड़ो ना ये बात, इस बात से दुखी होकर हम चांद पर थोड़े ना जाएंगे। इस जमीन पे जन्म लिया है हमने, इसी जमीन में दफन होने की ख्वाहिश भी रखते हैं। बस इस उम्र में हमें सहारा चाहिए, हमारी देखभाल करने के लिए एक बेटी। बोलिए, अपनी बेटी को कब भेज रही हैं आप हमारे पास? देखो बेटी, तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, वक्त आने पर किसी अच्छे इंसान के साथ शादी कराने का जिम्मा मेरा है, ये हम दोनों का वादा है। तब तक हम आपकी बेटी को अपनी पलकों पे रखेंगे, क्योंकि आज तक बच्चों से प्यार और उनसे लगाव कम नहीं हुआ है। लगाव और प्यार तो मेरा भी जिंदा है। हम अपनी ममता की प्यास आपकी बेटी को प्यार दे के बुझाएंगे। बच्ची को बुलाइए ना। ईशा, Thank you.
ईशा, मेरी बेटी तो चांद का टुकड़ा है। हम अगली पूर्णिमा इसे ले जाएंगे। हमारे अकेलेपन का एहसास अब खत्म हुआ। जीती रहो। चलिए। अच्छा बेटा, चलते हैं जी। नमस्ते। 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 आइए जी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पर रहूंगी। यहाँ कब तक? जब तक आप हैं मैं आपके साथ रहूंगी, और आपके जाने के बाद अपने भाई के साथ। लेकिन मैं रहूंगी यहीं पर। प्लीज माँ, मना मत करना प्लीज। तू अपनी माँ की सबसे समझदार बेटी है, अगर तू ही उसकी बात नहीं मानेगी तो कौन मानेगा? अपनी माँ की बीमारी जानते हुए भी मैं उन्हें अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? स्वामी जी, आप मुझे कहीं मत भेजिए, क्योंकि मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। अगर मैं चली गई तो मेरी मम्मी का ख्याल कौन रखेगा? तू उसकी चिंता मत कर, बस माँ की बात मान ले। लेकिन मेरी मम्मी के जाने तक तो प्लीज मुझे उनके पास रहने दीजिए। बेटे, समय बहुत कम है। तुम्हारी माँ को ये संतुष्टि मिलनी चाहिए कि उसने अपने जीते जी तुम सबको अच्छे परिवारों में भेज दिया। वो बात नहीं है स्वामी जी। देखो बेटे, मम्मी का ख्याल हम रखेंगे, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। सुखी रहो। आओ बेटी, आओ। डॉक्टर साहब, अब मैं कब आऊं? अब आपको दोबारा आने की जरूरत नहीं है, आप समझ गई ना?
समझ गई मैं। अब यहां आने से मेरा वहां जाना रोक नहीं सकता। अपाहिज बनकर पैदा होना मेरी खुशनसीबी है ना? ये कैसे बातें कर रहा तू? अगर मैं भी अपने भाई बहन की तरह अच्छा होता तो मुझे भी कोई ना कोई ले जाता। मैं अपाहिज हूँ इसीलिए अब तक तुम्हारे पास हूँ। ये मेरी खुशनसीबी ही तो है ना माँ। किसकी चिट्ठी है बेटी? माँ की, मैं भी आई। माँ की चिट्ठी देख के कितनी खुश हो गई है। बेटी ईशा, माँ का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम हमेशा खुश रहो। मैं डॉक्टर के पास गई थी, उसने कहा कि अब ट्रीटमेंट का कोई फायदा नहीं है और आने की जरूरत भी नहीं। इस दिवाली को हम सब अपने घर पे मिलेंगे। तुम सबको अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाऊंगी, यही मेरी अंतिम इच्छा है और खुशी भी। विजय के बारे में सोच सोच के मेरा खून सूखने लगता है। क्या होगा मेरे बच्चे का? इस अपाहिज को गोद लेने के लिए अब तक कोई आगे नहीं आया। तुम सबको दिवाली पे बुलाने के लिए विजय और मैं खुद आएंगे। मैं दीप और छोटू का पता भी तुझे दूंगी, क्योंकि मेरे जाने के बाद तू ही तो उन सबकी माँ है। टूटे घरों दा बिखरे तिनके, टूटे घरों दा बिखरे तिनके, फिर भी आस न टूटे। तन से चाहे जीवन छूटे पर बंधन ना छूटे, पर बंधन ना छूटे। टूटे घरों दा बिखरे तिनके, फिर भी आस ना टूटे। जाने वाले फूल तुझे क्यों अब भी खुशबू से प्यार है? बुझने वाले दीप तुझे क्यों सुबह का इंतजार है? तेरी किस्मत में अब शाम रह गई और अशकों में हर खुशी बह गई। बीते दिन अब नाएंगे, यादों में तड़पाएंगे, यादों में तड़पाएंगे। टूटे घरों दा बिखरे
दिन के फिर भी आस न टूटे। तुमने मुझे जानलेवा बीमारी दी, मैंने उसे स्वीकार कर लिया। जब मुझे पति से खुशियां मिली शुरू हुई तो उन्हें मुझसे अचानक छीन लिया। मैंने उसे अपनी तकदीर मान लिया। मेरे हाथों मेरे बच्चे को मुझसे अलग करवा दिया। मैंने इसे भी सहन कर लिया। मैंने ना कभी शिकायत की ना ही कुछ मांगा, लेकिन आज मांग रही हूं मुझे एक रात की जिंदगी दे दो। मैं आखिरी बार अपने बच्चों को देखना चाहती हूं। हे साईं, कृपा करो।
आया करो। हे अल्लाह रहम करो। Thank you.
तुझे लेने आए। शाबाश स्वामी।